शोहर बीवी से नान नफके का तकाजा कर सकते हैं? दो टके का इंसान, ऐसा भी अंधेर नहीं मचा। ये शख्स इतना लालची निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इजाज साहब, मुझे घर दामाद बनाना चाहिए। मेरी बेटी के तहफ्फुज़ के लिए ये शर्त बहुत जरूरी है, 1.5 करोड़ रुपए अदा करने। मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। जब बाप की जगह अपने बच्चे की आया बनाकर रख दिया तुम लोगों ने। वैसे भी उस अमीर दादी से तेरी नहीं बनने वाली। मुझे सिवाय मायूसी के कुछ नहीं। बीवी को भी तलाक का हक तफवीज किया गया है। उमर से निमट लूं। और जो मेरे क्लाइंट की फेवर में जाती है उससे आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैडम, शोहर बीवी से नान नफके का तकाजा कर सकता है? शोहर बीवी से? देखिए, फिलहाल तो जो हमारे मुल्क में कवानीन राइज हैं उसमें इस किस्म की तो कोई शिक नहीं है, क्योंकि अमूमन मर्द ही ब्रेड विनर होता है, वही घर का सारा खर्च उठा रहा होता है। मैं समझी नहीं। लेकिन अगर बीवी कमाती हो तो? आप अपना मसला जरा खुलकर बताएंगे? मैडम, बात तो कुछ ज़्यादा ही लंबी है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके बताता हूँ। 10 साल पहले मैं एक बैंकर था। मेरी मुलाकात नौरीन से हुई। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं तो हमने शादी का फैसला किया। उसके बाद नौरीन के वालिद ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। उमर भैया, तुम करते क्या हो? पापा, वो मैंने आपको बताया तो था, ये बैंकर हैं। वैसे अपने साथ वकील बहुत काबिल आए हो। बेटा, मैंने सवाल तुमसे नहीं उमर से किया। बैठो। अपनी फैमिली के बारे में बताओ। सर, मेरी फैमिली वाकेंड में रहती है। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, घर में वाला भाई और उनकी वाइफ। तो शादी के बाद अपनी बीवी को कहाँ रखोगे? सर, अभी तो कुछ दोस्तों के साथ अपार्टमेंट शेयर करता हूँ, लेकिन शादी के बाद कोई मकान या अपार्टमेंट लूँगा। किराए का मकान? मेरी अकलौती बेटी किराए के मकान में रहेगी? हर साल 2 साल के बाद दरबदर होगी? देखो मेर मियाँ, अपनी वाइफ के इंतकाल के बाद मेरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी। मैं तो चाहता था कि ये बिजनेस में मेरा हाथ बटाए, लेकिन चूंकि इसे सिविल सर्विसेज में जाने का शौक़ था, इसीलिए उसने CSS किया। मैंने भी कोई इतराज़ नहीं किया। तुम नौरीन की पसंद हो तो मुझे इस शादी पर भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि शादी के बाद भी नौरीन मेरी नजरों के सामने ही रहे। तुम्हारा कराची में कोई घर नहीं है और मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी के बाद तुम दामाद बनकर नहीं, मेरा बेटा बनकर मेरे साथ इसी घर में रहो और बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन सर, मेरी बैंक जॉब। जाहिर है कि जब तुम मेरा बिजनेस संभालोगे तो बैंक जॉब को तो अलविदा करना होगा। इस तरह तुम अपनी फैमिली को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकोगे। मैडम, इजाज साहब मुझे घर दामाद बनाना चाहते थे। जाहिर है मेरे घर वालों को ये बात आसानी से हजम नहीं हुई, जिसके बाद मुझे घर वालों का बहुत सख्त रद्द अमल देखना पड़ा। अरे पागल हो गया क्या? सारे खानदान में नाक कटवाएगा, हमारी घर दामाद बनेगा? मना कर दे शादी से। वैसे भी उस अमीर दादी से तेरी नहीं बनने वाली। नहीं अम्मी, नहीं, नौरीन को नहीं छोड़ सकता मैं। क्या हो गया है तुझे? अरे बेटा, तेरा बाप कहता था बहन के घर भाई कुत्ता और सास के घर जमाई कुत्ता। अरे तू क्या मेरी बातें सुन रही है? कल भी तूने सारा सालन साड़ दिया था, नमक डाल उसमें। हाँ हाँ अम्मा, डाल रही हूँ नमक। अरे अम्मा छोड़ो ना ये शर्म गैरत की बातें, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। और ये आजकल के लड़कों का तो ना ख्वाब ही यही है कि किसी अमीर बाप की लड़की हाथ चढ़ जाए। और ये उमर, इसको तो सब बैठे बिठाए वैसे ही मिल रहा है।
नहीं भाई नहीं, नकारा नहीं हूँ मैं। मेरिट पर बैंक मुलाजमत में हासिल किए मैंने, और अम्मा अपना खर्चा मैं खुद उठा सकता हूँ, और घर में पहले की तरह कंट्रीब्यूट करता रहूंगा मैं। अरे वाह, अरे बचपन से तुझे इतना बड़ा कर दिया, अरे तालीम दिलवाई के बैंक में काम करे, अरे मुझे खर्चे की बात कर रहा है। रहने दो, तुम्हारे अमीर ससुर की अगली शर्त यही होगी कि तुम हम लोगों से वास्ता भी ना रखो। अम्मा भूल जाओ इसको, पराया हो गया ये। है देखो कैसा दौर आ गया है। अरे बजाय ये के घर ब्याह के बहू लेकर आए, ये तो खुद रुखसत होने के ख्वाब देख रहे हैं। नाक कटवा दी इसने हमारी। वैसे भैया जरा ये तो बताओ कि डोली में तुम बैठोगे या वो बैठेगी? मैडम मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी फैमिली को राजी किया, बहरहाल हमारी शादी हो गई, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद पता चला कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? मुझसे कहा गया था कि मैं नौरीन के वालिद का बिजनेस संभालूंगा, जिसके लिए मैंने अपनी बैंक की जॉब से इस्तीफा दिया, लेकिन शादी के बाद नौरीन ने अपना ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया और मैंने इजाज़ साहब के ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरी शादी के बाद मेरे घर वाले भी कराची शिफ्ट हो गए थे। तो आपके घर वाले भी आपके ससुराल में आपके साथ रहना शुरू हो गए? नहीं, वो अलग रहते थे और मैं अपने ससुराल में रहता था। मैडम ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ऑफिस में मेरी तो कोई पोस्ट ही नहीं है, और ना ही मेरा कोई रूम था। मुझे कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज देते, मुझे कभी मार्केटिंग के काम में लगा देते, और मैं बेवकूफ़ यही समझता रहा कि शायद मेरी कोई ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन एक दिन नौरीन, नौरीन मेरी घड़ी नहीं मिल रही, तुम्हें पता है कहाँ रखी है? घड़ी क्यों चाहिए आपको सुबह सुबह? कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? आपको आज से ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा ऑफिस जाने की जरूरत नहीं? पापा कह रहे थे बिजनेस चलाना आपके बस की बात नहीं है। जिस डिपार्टमेंट का काम आपको दिया गया था, आपने सब काम उल्टा सीधा कर दिया और बहुत नुकसान हो गया है पापा को। उन्होंने कहा है अब आप ऑफिस ना आए। ऑफिस ना जाओ? तुम्हारे बाप के कहने पर मैंने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी, अब उनके टुकड़ों पर बनूं क्या यहाँ पर मैं? इसमें उनके टुकड़ों पर बनने वाली कौन सी बात हो गई? आपकी नालायकी की वजह से मेरे पापा अपना बिजनेस ठप करवा ले, और आपको मसला क्या है? आपको घर बैठे सैलरी तो मिल रही है ना? अब मैं जा रही हूँ ऑफिस, जो लेट हो रहा है। मैडम इस तरह मैं बैंक की नौकरी से भी गया और बिजनेस से भी। शादी के 1.5 साल बाद हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, फिर कुछ अरसे बाद नौरीन का ट्रांसफर सक्खर हो गया और मैं भी नौरीन के साथ सक्खर चला गया। नौरीन दिन भर ऑफिस में होती और मैं नौरीन की सरकारी रिहाइश गह में पड़ा, घर की देखभाल करता और बच्चा संभालता। नौरीन का ट्रांसफ़र मुख्तलिफ शहरों में होता रहा और मैं भी इसके साथ घूमता रहा। फिर 10 साल बाद नौरीन का ट्रांसफ़र वापस कराची हो गया। पर ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा ट्रांसफ़र वापस कराची हो गया। मैं तुम्हें और अदील को बहुत मिस करता था। पापा रोज़ तो आपसे स्काइप पर बात होती थी। वैसे इन 10 सालों में लाहौर, इस्लामाबाद, सक्खर, जाने कहाँ कहाँ, समझे पूरे मुल्क की खाक छान ली। ये बात तो है। अरे हाँ, वो तुम्हारा बैंक से ये लेटर आया है, शायद क्रेडिट कार्ड का बिल्स है। ₹2.5 लाख? उमेर, उमेर! पापा ये आपकी चाय। उमेर मैंने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड इसलिए तो नहीं दिया था कि तुम मेरी मेहनत की कमाई को हराम में लुटा दो। नौरीन ऐसा क्या हो गया? वही मैं पूछ रही हूँ, तुमने एकदम से 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, क्या खरीदे तुमने? अब नहीं, वो कुछ खरीदा नहीं है, बस वो जरूरत पड़ गई थी मुझे। क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? वो अम्मी ज्यादा बीमार हो गई थी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था, इसलिए मैंने 2.5 लाख निकाल कर दे दिए। जाहिर है बेटा हूँ, माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? हाँ बनता है, लेकिन अपनी कमाई से, मेरी कमाई से नहीं। इतनी बड़ी रकम निकालने से पहले मुझसे तो पूछ लेते कम से कम, वरना अपनी जेब से भेजते इतने पैसे। अपनी जेब से भरता मैं? करता क्या हूँ, कमाता क्या हूँ मैं? मुझे कहा गया था कि फैमिली बिजनेस संभालूंगा, फिर मुझे कहा तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं, घर बैठे तनख्वाह मिलेगी। मेरी नौकरी छुड़वाई तुम लोगों ने, मेरे कैरियर को ब्रेक लगवाया, मुझे बाप की जगह अपने बच्चे की आया बनाकर रख दिया तुम लोगों ने। उमेर अपनी हद में रहो और जुबान संभाल कर बात करो। तुम संभालो जुबान अपनी, होश में रहो, होश में रहो, वरना तुम्हारी जबान काट कर बाहर फेंक दूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी से इस लहजे में बात करने की? दो टके का इंसान, इससे शादी का फैसला तुम्हारा ही था ना?
करो बर्दाश्त अब इसे। हाँ ये फैसला मेरा था और मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती ठीक भी कर सकती हूँ। और तुम तो अब बर्दाश्त से भी बाहर होते जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। Now get lost। मेरा वकील तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा देगा। मैं अकेला नहीं जाऊंगा यहाँ से, अपने बच्चे को साथ लेकर जाऊंगा मैं। गार्ड, गार्ड, इसको उठाकर बाहर फेंको। चलो। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत शादी के दौरान या तलाक के बाद पैदा होने वाले बच्चे के अखराजात बाप की जिम्मेदारी हैं। अगर कोई शख्स तलाक के बाद बीवी और बच्चों के नान नफके की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो मुतासिर खातून मस्कूरा एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट से रुजू करने का हक रखती है। मैडम, नौरीन और उसके बाप ने मुझे कहीं का नहीं रखा। उमेर साहब, आप वेल एजुकेटेड हैं, बैंकर थे, आपने अपना करियर दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं किया? आप लोगों को क्या लगता है मैंने दोबारा कोशिश नहीं की होगी? मुझे सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिला। 10 साल जॉबलेस रहने के बाद यही मेरी डिस्क्वालिफिकेशन बन गई। मैडम, मैं चाहता हूँ कि जिस औरत ने मेरे 10 साल बर्बाद किए हैं, आप अदालत से नौरीन और इसके बाप से मुझे हर माह एक रकम दिलवाएं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे कानून में तो इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है जहाँ पे एक शौहर अपनी बीवी या साबिका बीवी से नान नफके का तकाजा कर सके। एक सूरत हाल हो सकती थी अगर आपका अपनी बीवी के साथ कोई तहरीरी मुआहदा होता शादी के वक्त, जिसमें आप इस किस्म के क्लॉज़ लिखवा लेते कि क्योंकि मैं अपनी बीवी और बच्चे के लिए जॉब छोड़ रहा हूँ, इसलिए मेरी बीवी पर यह बात फ़र्ज़ होगी कि वो मेरी तमाम मुआशी ज़रूरियात को पूरी करे दौरान शादी भी, और अगर तलाक हो जाती है तो वो कॉम्पनसेशन देगी। ऐसी सूरत में तो फिर हम डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते थे। नहीं, कोई कानूनी मुआहदा तो नहीं हुआ, लेकिन निकाह नामे पर कुछ शराइत ज़रूर लिखी गई थी। अच्छा, किस किस्म की शराइत? आप निकाहनामा लाए हैं? जी, मैं लाया हूँ साथ अपने। बेहतर है कि शादी से पहले ही निकाहनामा पूरा कर लिया जाए और सारी शराइत तय कर ली जाए। कई साहब, एक काम कीजिएगा, ये शिक नंबर 17 से 20 तक काट दीजिएगा। जी नहीं, इस निकाहनामे में नौरीन को भी तलाक का हक होगा। वैसे तो खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल आएगी नहीं, लेकिन मेरी बेटी के तहफ्फुज के लिए शर्त बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको भी हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी अंकल। वो क्या? काय साहब लिखें कि अगर बीवी अपने तलाक का हक इस्तेमाल करती है तो अपने हक मेहर से दस्तबरदार होगी और उमेर को 50 लाख रुपये अदा करेगी। और अगर शौहर ने बीवी को तलाक दी तो जाहिर सी बात है फिर उमेर 50 लाख रुपए अदा करेगा। नो, खुदा ना खास्ता अगर उमेर ने नौरीन को तलाक दी तो उसे 1.5 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। या आप लोग किस किस्म की शर्त रख रहे हैं? अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन आए। निकाहनामा पूरा कीजिए। और इंशाल्लाह ताला कल बाद नमाज जोहर हम मस्जिद में निकाह के लिए हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो फिर आपकी बीवी ने आपको 50 लाख रुपए अदा किए? नहीं ना, उसने तो मुझे 2 जोड़ी कपड़ों में घर से निकाल दिया था। ठीक है उमेर साहब, आपकी बेगम के खिलाफ केस तो बनता है, हम उनको लीगल नोटिस भिजवाते हैं। आ गए आप, बहुत थके हुए लग रहे हैं। बस मैं प्याज काट रही हूँ, सालन बनने ही वाला है। क्या हुआ?
कुछ बना बिजली के बिल का? कुछ नहीं भाई, वो कह रहे हैं 80,000 रुपए तो कंप्यूटर पर आ चुके हैं, या तो ये पूरा बिल अदा करो, नहीं अदा कर सकते तो किस्तें करवा लो। नहीं नहीं, किस्तें तो कभी मत करवाना। पता है नईम भाई का भी इसी तरह अचानक से 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया था, उन्होंने किस्तें करवा ली। अब हर महीने बेचारे करंट बिल के साथ 20,000 रुपए किस्त के अलहदा से भरते हैं, और बिल है कि पूरा होके नहीं दे रहा। खून पी लिया इन बिजली वालों ने। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं ये 80,000 रुपए लाऊं कहां से? आप उमेर से मांगे ना। उसके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, बता रहा था मुझे, किसी वकील से मशवरा किया है उसने, नौरीन के खिलाफ नान नफके का केस दायर कर रहा है वो। हाँ, सारी उम्र तो उसने मुफ्की ही खाई है, और अब भी उसी औरत के टुकड़ों पर पलना चाहता है जिसने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। माफ करना, मैंने बेगैरत तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे भाई जैसा कोई नहीं देखा। यहाँ तक लिख लिया जी? लिखिए। चलें अगला पॉइंट लिखिए कि हमारे क्लाइंट मिस्टर उमेर खान के पास निकाह नामे का दस्तावेजी सबूत है जिसकी शिक नंबर 18 के मुताबिक बीवी को भी तलाक का हक तफवीज किया गया है, और इसके साथ साथ ये शर्त भी लिखी गई है कि अगर बीवी ने शोहर को तलाक दी तो वो हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपया अदा करेगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ लिखो कि डिफेंडेंट ने निकाह नामे की शिक 18 की खिलाफ वर्जी करते हुए उमेर साहब को 50 लाख रुपए अदा नहीं किए, इसलिए डिफेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की शिक 23 की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है। ठीक है मैडम, मैं इसको फेयर कर लेता हूँ, आपको चेक करा दूंगा तो फिर फाइल ड्राफ्ट कर दूंगा। हाँ शहरोज, लेकिन ये मुझे आज की तारीख में चाहिए। ठीक है मैडम, मैं ये अभी कर दूंगा। मैडम लेकिन हमारा क्लाइंट अपनी एक्स वाइफ से मेंटेनेंस के अलावा नान नफका भी मांग रहा है। हाँ शहरोज, मैंने इसको पहले भी बताया था कि हमारे लॉ में तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वैसे मैं स्टडी कर रही थी, इंडिया के मैरिज लॉ में भी अभी एक शिक रिसेंटली ऐड हुई है जिसमें शौहर बीवी से नान नफका मांग सकता है, और सिंगापुर में तो ऑलरेडी ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है। अगर बात अदालत तक गई तो हम इन ममालिक के लॉ को भी कोट कर सकते हैं। ये आप जल्दी से टाइप करके मुझे दें। अस्सलाम वालेकुम बीबी साहब। अच्छा वो आप आ गई, टीवी पे बता रहे थे बहुत तूफ़ानी बारिश होने वाली है, और साहब ने कहा था जैसे ही आप आए उनसे आके मिल लीजिए। अच्छा कहाँ है पापा? जी अपने कमरे में। अच्छा ये मेरे रूम में रख दो। अस्सलाम वालेकुम पापा, लाया था आपने? हाँ बैठो। लगता है बारिश के साथ तूफान भी आने वाला है, बल्कि तूफान तो आ ही चुका है। उस खबीस ने ये लीगल नोटिस भिजवाया है। लीगल नोटिस? हाँ, निकानामी की शर्त के मुताबिक 50 लाख डिमांड किए हैं और साथ में मेंटेनेंस भी। ये शख्स इतना लालची निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम टेंशन नहीं लो, मैंने अपने लॉयर को बुला लिया है। अब उमेर कानूनी जंग ही लड़ना चाहता है तो ठीक है, हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं। अच्छा मुझे तुमसे एक जरूरी बात तो और भी करनी थी। जी पापा। तुम जफर महमूद साहब को तो जानती हो ना? जफर, वो जफर इंडस्ट्रीज वाले? यस यस, मैं उनके बेटे जीशान की बात कर रहा हूँ। तुम उससे कई बार मिल भी चुकी हो। देखो बेटा, एक शादी तुमने अपनी मर्जी से की और उसका नतीजा देख लिया। अभी तुम्हारी उम्र गुजरी नहीं है बेटा, मैं चाहता हूँ कि एक फैसला तुम मेरा भी मानो। लेकिन पापा मैं अब शादी नहीं करना चाहती, अब मेरा कैरियर, मेरा बच्चा, यही मेरी ज़िंदगी है। मैं तुम्हारी जज्बाती बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ, मैंने फैसला कर लिया है। बस इस
उमेर से निमट लूं, इसके बाद मैं तुम्हारी शादी निशान से करा दूंगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 506 के तहत किसी को खतरनाक नतायज की धमकियां देना एक काबिले ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। अम्मी, मैंने नौरीन को वकील के जरिए खत भिजवाया है और अब मैं नौरीन से अपने 50 लाख रुपए निकलवा कर रहूंगा। अरे रहने, तुझसे ना कुछ होने वाला। अरे वो अमीर बाप की बेटी और खुद बहुत बड़ी सरकारी मुलाजिम, अरे रहने, किन चक्करों में पड़ रहा है, तुझसे ना होने वाला कुछ। आया बड़ा। नहीं अम्मी नहीं, ऐसा भी अंधेर नहीं मचा, पर अम्मी मुझे बहुत अच्छी वकील मिल गई है। अरे फिर तू औरतों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है? अरे अल्लाह ने तुझे मर्दजात पैदा किया है, अरे कुछ तो उसका ख्याल कर ले। अरे तुझे शर्म नहीं आती? वैसे ही 10 साल बर्बाद हो गए तेरे। अम्मी मेरी पूरी बात तो सुना करें आप। बोल। बहुत अच्छी वकील है, आमना कबीर नाम है उनका। अरे ये वही तो नहीं है आमना कबीर जो समा के मॉर्निंग शो में बैठ के लोगों को कानूनी मशवरे देती है? अरे इतनी बड़ी वकील है, वो तुझे कहां मुंह लगाएगी? हट, रहने दे। अम्मी उन्होंने कहा है वो मुझे नौरीन से अपना हक दिलवा कर रहेंगी। अम्मी नौरीन ने मेरे 10 साल बर्बाद किए हैं और मैं अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला जरूर लूंगा उससे। रहने दे रहने दे, 10 साल से तू बीवी के टुकड़ों पे पल रहा था और अब अपने भाई के टुकड़ों पे पल रहा है। अरे जा जाके नहा ले और वो 2 रोटी रखी ना वो भी खा ले, इससे पहले कि तेरी भावज के हट्टे कट्टे भाई आके खा जाए। चल निकल यहाँ से, आया बड़ा हक लेगा। आई अम्मा अम्मा अम्मा, वो नीचे ना टीवी वाले आए, सबका इंटरव्यू ले रहे हैं। आजा आजा तू भी इंटरव्यू दे। टीवी वाले इंटरव्यू किस चीज के? वो अम्मा सबसे बिजली का पूछ रहे हैं। आ तू भी बता जल्दी। खैर जा, इन बिजली वालों पे देख मैं कैसी बिजली गिराती हूँ। चल। लोड शेडिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो 3-4 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही है? अरे बिक गई है ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं बचा। आप मुझे अपना मसला बताएं, आपका मसला क्या है, और आप मुझे ये बताएं कि लोड शेडिंग के हवाले से जो गवर्नमेंट ने कहा। अरे बेटा मसला हमारा पूछो। अरे मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा मसला हो गया। वो सेठ एजाज है ना जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक, उसकी इकलौती बेटी से मेरे बेटे ने शादी की। अरे 10 साल पहले उन्हें तलाक हो गई। इतना सा बच्चा है उसका, मेरा बच्चा तड़पता है अपने बच्चे के लिए। अरे मेरे बच्चे ने 5 करोड़ का दावा किया है। क्या आपके बेटे ने अपनी वाइफ पे मेंटेनेंस का केस कर दिया? अरे मेरे बेटे ने 50 लाख का दावा किया है। अरे उसकी बीवी ने तलाक दे के घर से बाहर निकाल दिया। ना मेरे बच्चे के पास नौकरी है, ना मेरे बच्चे के पास घर है। अरे हमें इंसाफ दिलाओ, कोई तो हमें इंसाफ दिलाओ। आप टीवी पे दिखाओ, हमें इंसाफ दिलाओ। नाजरीन यहाँ पे एक शौहर ने मेंटेनेंस के ऊपर अपनी वाइफ पे केस कर दिया है और इसके हवाले से हम यहाँ खड़े हैं और आपको बिल्कुल आगाह कर रहे हैं। वकील साहब, उसकी माँ ने तो बात मीडिया तक पहुँचा दी है, सारे पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है कि एक शौहर ने अपनी साबका बीवी से मेंटेनेंस और 50 लाख रुपए हर जाने का दावा कर दिया। तो इज्जत खाक में मिल गई है, चैनल से बार बार फोन आ रहे हैं, क्या बताऊं। अरे जा साहब, ये तो अच्छा हुआ, बल्कि बहुत ही अच्छा हुआ है। वकील साहब, सारी दुनिया में मेरी इज्जत खाक में मिल गई और आप कह रहे हैं अच्छा हुआ। जा साहब, आप बात को समझने की कोशिश करें, मीडिया पर खबर आने से हमें जवाबी वार करने का मौका मिल गया है। देखें मैं आपको समझाता हूँ, निकाहनामे में ये शर्त दर्ज थी ना कि अगर नौरीन उमेर को तलाक देगी तो फिर 50 लाख रुपए भी अदा करेगी, और शर्त के मुताबिक आप 50 लाख रुपया अदा करने के पाबंद थे। इस सिलसिले में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो लेकिन मैं उसको 50 लाख रुपए देता क्यों, जबकि वो पहले ही मुझे कारोबार में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा चुका था। लेकिन बस बात मीडिया में आने से बिगड़ गई। एजाज साहब, मीडिया पर आने से मामला बिगड़ा नहीं बल्कि बन गया है। वो कैसे? वो इस तरह कि अब हम उमेर पर अतक की इज्जत का दावा करेंगे कि वो हमसे 50 लाख रुपया मांग रहा है, और हम जवाबी वार के तौर पर उस पर 5 करोड़ रुपया का दावा करेंगे और उसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे, और हम ये शर्त रखेंगे कि अगर वो 5 करोड़ रुपया अदा नहीं कर सकता तो वो 50 लाख रुपया भी छोड़े
और टीवी पर आकर माफी भी मांगे। दूसरी बात यह एजाज साहब कि वो बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकता, इसलिए कि वो किसी की इज्जत भी नहीं करता और इसके साथ साथ वो बेरोजगार भी है। ठीक, गुड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, उमेर साहब बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सामना। उमेर, आपकी वालिदा को टीवी पर इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी, और वो भी आपके एक ससुरालियों के नाम तक ले लिए उन्होंने? ये सामना, मेरी माँ एक बिल्कुल सीधी सादी खातून है, पर नादानी में उन्होंने मीडिया के सामने पता नहीं क्या क्या कह दिया, और उन्हें वैसे भी कानूनी नजाकत का बिल्कुल इल्म नहीं है। आपको अंदाजा है कि दूसरी साइड की पार्टी क्या कर सकती है, आप पर हद तक इज्जत का दावा कर सकती है? अब आप बताएं मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। प्लीज सामना, आप मेरी हेल्प करें, कुछ करें आप प्लीज। करना क्या है, अब दोबारा अगर कोई मीडिया वाले आते हैं इंटरव्यू लेने तो वो साफ इनकार कर दें, और प्लीज मुझसे मशवरा किए बगैर आप किसी को कोई कमेंट नहीं देंगे। जी हाँ, इस केस के हवाले से स्पेशली। ये नॉरिन ऑफिस से नहीं आई? अरे भाई, वो सरकारी मुलाजिम जरूर है मगर ऑफिस को पूरा टाइम देती है। माशाल्लाह अब तो 18 ग्रेड में पहुंच गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जीशान कहाँ है? अगर आपके साथ आ जाता तो मुलाकात हो जाती। वो थोड़ा बिजी था इस वजह से नहीं आ सका। और ये नौरीन के साबिक शौहर का क्या मसला है? ये आजकल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। बस क्या बताएं जी, यही तमाशा बनना था, धोखा खा गए हम। मैंने सोचा लोअर क्लास का मेहनती लड़का है, अरे मैं तो पूरा बिजनेस उसके हवाले करने वाला था, करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया उसने मेरा, और साइकोलॉजिकल नुकसान जो हुआ वो हम अब तक भुगत रहे हैं, और फिर घर बैठ गया, जाहिर है मुफ्त की जो मिल रही थी, और ऊपर से उसने ये लीगल नोटिस भिजवा दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि निकनामे में 50 लाख रुपए डिमांड लिखी है, 50 लाख रुपए थे कि क्लियर करते जान छुड़ाते ताकि तमाशा नहीं बनता। जी बिल्कुल, मैंने भी ये सोचा था, जाहिर है 50 लाख रुपए मेरे लिए इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन उसने लीगल नोटिस भिजवा दिया और मीडिया पे अलग तमाशा बनाया। बहरहाल अब मेरा वकील ही इस मामले को हैंडल कर रहा है। एहतशाम साहब, मेरी बेटी बड़ी डिस्टर्ब हो गई है, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से शादी की तारीख पक्की करें ताकि वो ज़िंदगी के नए फेस में दाखिल होकर अपनी खोई हुई खुशियाँ हासिल कर सकें। देखें, दरअसल ये मीडिया पे आने के बाद, ये सब होने के बाद, मैं जीशान और उसकी वालदा से मशवरा करके ही मैं आपको ये बता सकता हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 361 के तहत अगर कोई शख्स किसी कम उम्र बच्चे को किसी की कानूनी गार्जियनशिप से छीन लेता है तो उसे अगवा के जुर्म में दफा 363 के तहत 7 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। कहा था ना, ये केस मीडिया पर हाईलाइट होगा और वो लोग डेफिनेटली जवाबी हमला करेंगे। अब एक तरफ तुम्हारा क्लेम का केस चल रहा है, दूसरी तरफ ये डेफेमेशन, अब ये मामला तवालत पकड़ेगा। मैडम, हम भी कोई जवाबी दावा करते हैं ताकि वो लोग प्रेशर में आए और कोई सेटलमेंट का रास्ता निकालें। उमेर साहब अपने बच्चे की कस्टडी का केस भी तो कर सकते हैं। मैं भी अपना बच्चा छीनूंगा उससे, और यकीनन उसे बच्चे से मोहब्बत भी नहीं है। मैंने तो सुना है कि उसका रिश्ता तय हो गया है, वो दूसरी शादी कर रही है। हाँ, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो आपका कस्टडी का क्लेम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप रियलिस्टिक होकर सोचें, फाइनेंशियल स्टैंडिंग इस वक्त आपकी बहुत वीक है, इस मामले को भी मत टच करें। अभी हमें सारा फोकस डैमेजेस के क्लेम पर रखना चाहिए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि उनके वकील से बात करूँ, दोनों पार्टीज़ का टाइम ज़ाया ना किया जाए। अंदाज़ा तो उन्हें भी होगा कि उन्होंने जो क्लेम किया है 5 करोड़ का, हद तक इज्जत का दावा किया है, कहाँ से तुमसे इतने पैसे निकलवा सकेंगे। अदालत भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखेगी, आखिर में इतने महीने गुजरने के बाद माफ़ीनामा मांगा जाएगा आपसे। बेहतर है दोनों पार्टीज़ एक टेबल पर बैठकर आमने सामने बात करें और कोई सुलह सफाई हो जाए, क्या कहते हैं आप? ठीक है मैडम, जो आपको बेहतर लगे। मेरी बात तो करवाओ इनके वकील से।
अरे अम्मा, ये तो वही हिसाब हो गया कि नमाज बखशवाने गए और रोजे गले पड़ गए। ये हुमैर है ना, इसने पूरे 50 लाख रुपए का दावा किया था उन लोगों पर और उन्होंने उल्टा 5 करोड़ रुपए का दावा किया है हम लोगों पर। अरे अगर ये अपने आप को किलो के हिसाब से भी बेचेगा ना तो 5 करोड़ तो इकट्ठे होने वाले। वैसे अम्मा एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो इस सारे फसाद की जड़ ना आप खुद ही हैं। ना ही उस दिन मीडिया वालों के सामने आप घर की सारी बातें बताती और ना ही आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे होते। अरे आपने तो पता नहीं कौन कौन सी गालियां भी दी थी जो उन्होंने टू टू लगाकर बंद कर दी। अगर वो ऑन एयर हो जाती तो पता नहीं शायद आज आप जेल में होती। अरे चुप कर बात, इसको कैसी बातें सूझ रही है। अरे मेरे बेटे का घर बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, अरे इसकी नौकरी नहीं रही और इसको देखो कैसी बातें कर रही है। अल्लाह इन कमबख्त बाप बेटी को ऐसी मूजी बीमारी हो, रात को सोए और सुबह नसीब ना इन लोगों को। अम्मा अब बद्दुआएं देने का कोई फायदा नहीं, आखिर को उमेर ने घर दामाद बनकर ये बेगैरती का सौदा खुद ही किया था। अरे तेरी तो नजर खा गई इसको कि इसकी बड़े घर में शादी कैसे हो गई। अरे गोंज कहेगी तेरी नजर लगी है जल कुकड़ी कहेगी। अम्मा आखिर मैं क्यों जलूंगी उमेर से, आप तो बस हमेशा मुझे बुरा ही समझना। अल्लाह गवाह है मैं दिन रात हाथ उठा उठा कर उमेर के लिए दुआएं मांगती हूँ कि या अल्लाह उमेर की मुश्किल आसान कर। और आप है क्या मुश्किल आसान हो तेरी कमबख्त मारी बांझ कहेगी। अरे मुश्किल आसान होने की उसके लिए दुआ की जाती है जो मरने वाला हो। कैसी बातें कर रही है तेरी बीवी। अम्मा मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था। और अब ये लड़ाई झगड़ा छोड़ें और ये सोचें कि इस मसले को हल कैसे करना है। अरे अम्मा अब आप बताएं ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब तो जो करेगी वो उमेर की वकील ही करेगी। अरे औरतों के चक्कर ने तो इसको बर्बाद कर दिया। अरे इसको दुनिया की तमाम औरतों पे भरोसा था, एक अपनी मैया पे भरोसा ना रहा इसको। अरे मैया तो इसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। बस करें, कब तक ये तंज ताने देती रहेंगी आप मुझे। मुझे बस अपने बेटे का ख्याल। चुप कर, खुद तो अपने भाई के टुकड़ों में पल रहे, अब उस छटाक भर के बच्चे को लाके कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा उसको। आया बड़ा बेटा। अमना साहिबा, हमारे क्लाइंट्स के पास यहाँ ज्यादा बैठने के लिए वक्त नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका क्लाइंट डैमेजेस के 50 लाख के मुतालबे से दस्तबरदार हो रहा है या नहीं। बहुत ही नाइंसाफी की बात है, उस निकाह नामे पर जो शरायत आप लोगों के हक में जाती थी वो तो आप लोगों ने इस्तेमाल कर ली और जो मेरे क्लाइंट की फेवर में जाती हैं उससे आप लोग मुकर रहे हैं। बीबी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही, जरा इससे पूछे तो सही कि ये किस मुंह से 50 लाख रुपए मांग रहा है जबकि मुझे इसने कारोबार में तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। सर आप वो मेरी सैलरी से डैमेजेस काटते रहे और आप लोगों ने तो मुझे सैलरी देना ही बंद कर दी। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मेरे पापा को तुमने इतना लॉस करवा दिया बिजनेस में, ऊपर से अब ये पैसे भी तुम मांग रहे हो। मेरी अलमारी से चोरियां की, ये तो क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया कि 2.5 लाख तुमने अपनी अम्मा को भिजवा दिए मुझे बताए बिना। देखिए किसी को हक नहीं पहुंचता कि मेरे क्लाइंट की तजलील करे। हम जो मामला तय करने बैठे हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है जो आप दोनों के दरमियान बाहमी रजामंदी से तय पाया था। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कानूनी हैसियत है, उसको अदालत भी तस्लीम करेगी और आपको मेरे क्लाइंट को 50 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। ये बात तो हम भी कर रहे हैं कि किसी को किसी की इज्जत उतारने का कोई भी हक नहीं है, इसीलिए हमने इसके ऊपर 5 करोड़ रुपए अर्जाने का दावा किया था। ऐसा करते हैं कि उस 5 करोड़ रुपए में से ये अपना 50 लाख रुपए ले ले और बाकी के 4.5 करोड़ रुपए हमें वापस कर दे। आपको वापस कर दे? आप तो इस तरह से क्लेम कर रहे हैं जैसे आप केस जीत गए। मौसूफ अभी केस अदालत में भी नहीं गया और इस किस्म के केसेस का अदालतों में क्या अंजाम होता है आपको भी अच्छी तरह पता है। आज तक कितने हद तक इज्जत के दावे कबूल किए गए और इस किस्म के दावों के क्लेम कितने लोगों ने वसूल कर लिए आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एजाज साहब बहुत माजरत के साथ, लेकिन आपके वकील साहब सिर्फ इस मामले को तूल देना चाहते हैं ताकि इनकी फीस हर महीने इनको बाकायदगी से मिलती रहे। जबकि इस सारी बात का नतीजा क्या निकलेगा, जब तक ये मामला हल नहीं होगा मीडिया पर भी हाईलाइट होता रहेगा, आपके खानदान की बार बार सुर्खियों में तजलील होती रहेगी। अब आप क्या चाहते हैं, बॉल आपके कोर्ट में है, या ये मामला इस टेबल पर आज हम अफाम व तफीम से हल कर लें, या मीडिया पर भी बातें होती रहें, हर जुबान पर इस मामले का चर्चा रहे और लोग थू थू करते रहे। ठीक है बीवी, पैसा मेरे लिए कोई मसला नहीं है,
लेकिन मैं अपना टाइम भी इन पेशों वगैरह में ज़ाया करने का मुतामिल नहीं हो सकता। मैं एग्रीमेंट पूरा करने पर तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसकी माँ ने जो टीवी पे आके वावेला मचाया है ना, तो ये बाकायदा टीवी पे आकर वो मुझसे माफ़ी मांगे तब। ठीक है, आप मेरी अम्मा को किसी मॉर्निंग शो में बुलवा लें, वो आपसे माफ़ी मांग लेंगी। लेकिन सर, इसमें आप लोगों की मज़ीद बेइज्जती होगी। ओके, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन टीवी पे आके माफी मांगे। ठीक है, अगर आपको कबूल है ये, फाइन, वील हैव द चेक। ये है वो कीमत जो उन वालदैन को अदा करनी होती है जिनकी औलाद तुम्हारी तरह से जिंदगी के फैसले खुद करती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।